कक्षा 8वीं की स्टूडेंट पहली आपका मैं आप विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ विज्ञान में 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर चार बजे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आज की वीडियो बना रहे हैं तो फाइनली पूरा आपके यहाँ पर विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते 82, 85, 22, 23 विषय विज्ञान और पूर्णांक आपके यहाँ पर 60 नंबर का रहने वाला है। कुल प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 24 रहेगी। और आप यहाँ पर कक्षा 8वीं और परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट पूरा आपका पेपर हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं विज्ञान के साथ ही पूरा पेपर आपके यहाँ पर हम संपूर्ण हल से कराने वाले, पूरा हमने आपका सोल्यूशन कर रखा है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही पेपर देने से पहले इस वीडियो को आपको पूरा देख के जाना। अगर यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेना चाहते हैं क्योंकि पूरा आपका यहाँ पर 4 बजे रात को पूरा पेपर आ चुका है विज्ञान का। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते अनुक्रमांक रोल नंबर आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है आपको किस में क्या भरना है, ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ लेना है क्योंकि बहुत से यहाँ पर स्टूडेंट गलत भर देते हैं जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर भरना है, ठीक है, आपको अंकों में और शब्दों में आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना, ठीक है, आपको यहाँ पर शाला का नाम डालना, डाइस कोड डालना, परीक्षा केंद्र का नाम डालना और परीक्षा दिनांक, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह दिखली जाती है आपको इन सभी को अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर जाना, ठीक है, आपके यानी शाला का नाम आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद होना चाहिए और डाइस कोड परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है, जहाँ भी आपकी परीक्षा होगी यानी जिस स्कूल में वही स्कूल का आपको नाम यहाँ पर यानी परीक्षा केंद्र का नाम डाल देना और परीक्षा दिनांक, ठीक है, यानी आपका यहाँ 25 तारीख को आपका यहाँ विज्ञान पेपर हो रहा है तो आपको 25 तारीख यहाँ पर डेट डाल देनी है और साथ ही आपको महीना और साल भी डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिनांक डाल देनी है। और यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया कि किस तरह से आपको रोल नंबर भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका दूसरा बॉक्स आता है दूसरे बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं भरना, ठीक है, सिर्फ आपको पहले वाले बॉक्स में आपको भरना, हमने आपको बता दिया किस तरह से आपको भरना है। और साथ ही स्टूडेंट वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर बोर्ड देख लेते हैं विज्ञान का, तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा दें जिससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ से वर्ग सीट पर कार्य प्रारंभ करें, ठीक है, तो आपका प्रश्न बन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो चलिए आपका पहला आता है जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं, तो आपका ए ऑप्शन था मलेरिया हैजा और बी आता टाइफाइड पोलियो और सी आता हैजा टाइफाइड और डी आता खसरा मलेरिया। तो यहाँ पर जीवाणु से होने वाले 2 रोग कौन से हैं, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, हैजा और टाइफाइड, और आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना जिससे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका जीवाणु से होने वाले 2 रोग कौन से, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, हैजा टाइफाइड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए आपका दूसरा देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो सल्फर बनती है, बी आता हाइड्रोजन, सी आता कार्बन मोनोऑक्साइड और डी आता सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना कार्बन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना और साथ ही आपको अच्छी राइटिंग से लिखना जिससे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से आपके यहाँ पर दूसरी का आपका सीक्रेट आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपका तीसरा यहाँ पर आता है सोने और चांदी को पिघलने के लिए ज्वालामुखी के क्षेत्र का उपयोग करते हैं, तो आपका ए आता मध्य क्षेत्र और बी आता सबसे बारीक क्षेत्र। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको वीडियो को अच्छे से आराम से देखना क्योंकि आपको जान टाइम बचा नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देख लेना। अगर आप यहाँ पूरी इस वीडियो को देख लेते हैं तो 60 में 60 नंबर आएंगे आपके। तो पहला आपका ए आता मध्य क्षेत्र और बी आता सबसे बारीक क्षेत्र, ठीक है, आपके ए और बी ऑप्शन आते हैं और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आता है आंतरिक क्षेत्र और डी आता निचला क्षेत्र। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, तो स्टूडेंट आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सबसे बारीक क्षेत्र, ठीक है, सोने और चांदी को पिघलने के लिए ज्वालामुखी के क्षेत्र का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर आपका भी हो जाएगा सबसे बारीक क्षेत्र। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना सबसे बारीक क्षेत्र, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे बाहरी क्षेत्र। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट यहाँ पर लिखना है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका चौथा आता है भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, तो आपका ये आता आम और बी आता जामुन, सी आता नीम और डी आता पीतल। तो यहाँ पर भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा नीम, तो इसमें आपको यहाँ पर नीम लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है चौथा। पाँचवा आपका यहाँ पर आता है लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अग्रन्याशय ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है,
यहाँ पर एडरेनल ग्रंथि है, तो यहाँ पर लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पीयूष, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँच में का एक राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर स्टूडेंट आता है छवां जलित, आप यहाँ पर छवां आता जलित दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण है, तो ए आता जुकाम, बी आता हैजा, सी आता टाइफाइड और डी आता चेचक। तो यहाँ पर जलित दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा हैजा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर हैजा लिख देना। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके यहाँ पर छः में का आंसर आपका बी हो जाएगा हैजा। और आपके यहाँ पर सात में आता धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए बल का उदाहरण है, तो ए आता गुरुत्व बल का, और बी आता चुंबकीय बल का, और सी आता संपर्क बल का, और डी आता पेशी बल का। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी डी, ठीक है, डी आपको हो जाएगा पेशीय बल का। तो आपको यहाँ पर लिख देना पेशीय बल का, ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका आठवां। तो यहाँ पर सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है, तो यहाँ पर राइट है ड्रिप तंत्र है, चैन पंप है या ढेकली है। तो यहाँ पर सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है, तो इसका आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा ड्रिप तंत्र, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना ड्रिप तंत्र। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आठवीं का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका नौवां यहाँ पर आता है, नौवां देखते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता, तो आपके ए आता घर्षण और बी आता दाब, और आपके यहाँ पर सी ऑप्शन आता संपर्क बल, और डी आता असंपर्क बल। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर आएगा बी, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट दाब, ठीक है, दाब आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर दाब लिख देना, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है नौवां क्वेश्चन। दसवां आता है यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है, तब परावर्तन कोण का मान होगा 90 अंश होगा, 180 अंश होगा, और यहाँ पर 30 अंश होगा, 45 अंश होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपतन कोण का मान 45 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान भी 45 अंश रहेगा, यानी आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, आपका दसवें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न दो आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जो कि आपके 30 नंबर के रहेंगे, साथ ही हमने आपका आंसर भी लिख लिए हैं। तो 11वां क्वेश्चन आता है खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खरपतवार फसलों की विकास गति धीमी कर देते हैं एवं उत्पादन स्तर गिर जाता है, ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साथ ही स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिएगा, आपको हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट घालना, साथ ही आपको इन्हें याद कर लेना है। और बारहवां आता हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, तो इसका आंसर आपको या प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, ये आपके यहाँ पर हो जाता है बारहवीं का आंसर। फिर आपका तीनवां क्वेश्चन आता है रेड, यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक सार्वजनिक डेटाबेस है जो किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद पौधों जानवरों कवक और स्थानीय उप प्रजातियों की लुप्त, ठीक है, लुप्त प्राय और दुर्लभ का रिकॉर्ड होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तेरहवीं का आंसर। फिर आपका चौदहवां क्वेश्चन आता है जनन क्या होता है, जंतु जनन की कौन सी विधियाँ, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन क्रिया जनन कहलाती है। और आपके यहाँ पर जंतु जनन की कौन सी विधियाँ, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है, ये आपके यहाँ पर चौदहवें का आंसर हो जाता है। तो इनकी जो स्क्रीन शॉट वो घाल लीजिए, आप ग्यारहवें क्वेश्चन की स्क्रीन उखाड़ लीजिए, बारहवीं का, तेरहवीं का और चौदहवें का। फिर आपका पंद्रहवां आता मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, समझाइए, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना, ठीक है। आपका सोलहवां आता है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो इसका आंसर आपको जो है पीयूष ग्रंथि अंतःस्थायी ग्रंथि जिसका आकार एक मटर के चने सॉरी मटर के दाने जैसा होता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्थायी ग्रंथि जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। तो ये आपके यहाँ पर सोलहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दिख लेते सत्रहवें क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका सत्रहवां आता है कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं स्ट्राइकर और कैरम सिक्कों और कैरम बोर्ड के बीच घर्षण कम करने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, तो इसका आंसर आपको जो है स्ट्राइकर कैरम सिक्कों और कैरम बोर्ड के बीच घर्षण कम करने के लिए, आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और अठारहवां आता आशुद्ध जल में विद्युत चलन क्यों नहीं होता, कारण बताइए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आशुद्ध जल विद्युत चलन नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजी युग्मक है जिसका आयनीकरण नहीं होता है, आपके यहाँ पर अठारहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आपको 19वां आता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है, और इनकी स्क्रीन शॉट उठा लीजिए। और 20वां आता तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए, और जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, ठीक है, आपको उसी वीडियो एंटर देखना है।
और फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न तीन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जो कि आपके 20 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रेरित कीजिए, और 22वां आता है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांक चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए, फिर 23वां आता संस्कृति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षेप समझाइए, और 24वां आता तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं संक्षेप समझाइए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए। तो हमने आपको पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया, और साथ ही जो आपके क्वेश्चन इनका स्क्रीन शॉट उठा लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आपको इनका अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट उठा लेना, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। साथ ही हमने आपके यहाँ पर आंसर हमने 18वें क्वेश्चन तक करा दिए, जो आपके 19वें क्वेश्चन है 20वें 21वें 22वें 23वें 24वें इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप इनकी जो स्क्रीन शॉट वो अच्छी तरह से उठा लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट उठा लीजिए। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके समाज विज्ञान पेपर के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।